हनान मुल्ला साहब किसान नेता इस वक्त लाइव सीधा आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनान मुल्ला साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही, 72वें गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के जरिए हम शांति से प्रदर्शन करेंगे और जश्न में शामिल होंगे, ये सब कुछ जस का तस रह गया, हिंसा झड़प उत्पात उपद्रव हुआ है, क्या आप जैसे तमाम किसान नेताओं की जवाबदेही नहीं बनती है जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पुलिस से ये बातचीत कर रहे थे कि हम शांतिपूर्ण मार्च करेंगे? हनान मुल्ला जी, शांतिपूर्ण मार्च तो किया है, शांतिपूर्ण मार्च को किया, प्रजा ऐसा ही योजना भी ऐसा ही बना था और मगर जो हमारा प्रोग्राम था, एक महीना से चर्चा हुआ, सारे ट्रेनिंग किया, वॉलंटियर को बात किया, ड्यूटी सब किया, के बावजूद भी लगा कुछ अंदर में कुछ ऐसा फोर्स घुस गया था जो हमारा योजना को फेल करने की साजिश से लगे हुए थे और इसी कारण अचानक हमारा जो योजना है और लीडरशिप जिस रास्ते में लेके जा रहा है उससे भटक के जो पहुंच गया है, जो हमारा योजना का कोई हिस्सा नहीं है और वो लग रहा है वो हमारा जो आंदोलन जो इतना दिन चल रहा है, इतना पीसफुल चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है, इसको बदनाम करने का जो कोशिश चल रहा है उसी बदनाम करने का कोशिश का एक जो हो रहा था, आज एक दो जगह में वो थोड़ा कामयाब हो गया। नहीं, लेकिन एक दो जगह नहीं, हनान मुल्ला साहब आपको टोक रही हूँ बीच में। देखिए, आप लोग संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा बनके तमाम बातें कर रहे थे जी। मुल्ला साहब, मेरा सवाल तो सुनिए, आप कल तक कहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, क्या अब जवाबदेही नहीं बनती है क्योंकि अब आप पल्ला झाड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं उपद्रवी तत्व घुस गए थे, आखिर कौन पहचाने? किसान के भेष में अगर ट्रैक्टर पर लोग आ रहे हैं तो कैसे कोई देखकर पहचान लेगा कि कोई उपद्रवी है या फिर किसान नेता है, किसान है? और ये देखिए, नौबत हुई ना आईटीओ से लेकर लाल किला तक, आपने देखा क्या हुआ है? आज के आंदोलन करोड़ों लोग पार्टिसिपेट किया, 600-700 जिला में, 27 राज्यों में और दिल्ली में करोड़ों लोग पार्टिसिपेट किया, करोड़ों लोग जो हम पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों जगह में ऑर्गेनाइज हुआ है, इनमें एक दो जगह में जो हुआ है हम देख रहे हैं, हमारा कैसे, हमारा अंदर कैसे एजेंट घुसा के इस तरह साजिश को कामयाब कर पाया? एजेंट घुसाया? इतना बड़ा आंदोलन को खुद अपना बताया, हमको देखना पड़ेगा, तहकीकत करना पड़ेगा, हमारा बाहर का लोग कैसे इसके अंदर घुसे और एक घटना घटाया, जो लाल किला जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, जो एटीओ जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, एक महीना से उसको तैयार हो रहा है, कैसे कुछ लोग भटक के वहां पहुंच गया है, ये साजिश है, ये साजिश को हमको देखना पड़ेगा। अगर साजिश आप कहेंगे तो जांच कौन करेगा इसकी? आप मेरा सवाल तो पूरा सुनिए, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें थी जिसमें वो वहीं से कह रहे थे जो आंदोलनकारी थे, जो किसान थे, कि हम लाल किले तक जाएंगे, वहां पर हम अपना झंडा फहराएंगे। अगर तलवार लेकर लोग शामिल हो रहे हैं, लाठी डंडे लेकर शामिल हो रहे हैं, तो फिर ये किसी एक जगह की बात नहीं है ना सर, कि कुछ लोगों को घुसा दिया किसी ने, अलग अलग जगह पर, बॉर्डर पर, अलग अलग जगह पर हुआ है। ये आंदोलन का हिस्सा नहीं था, ये सब लोग कोई आंदोलन का हिस्सा नहीं था, पर इस खतरे को आप लोग इस खतरे को क्यों नजरअंदाज कर रहे थे? क्योंकि ये तो सवाल सभी के मन में था ना, हम लोग भी पूछते थे कि कैसे सुनिश्चित होगा कि हिंसा ना हो। बहुत सावधानी से तहकीकत किया था, वॉलंटियर लगाया था, मगर इतना बड़ा इवेंट में किसी तरह ये लोग घुस गया और ये तरह कि हमारा इतना बड़ा आंदोलन को बदनाम हुआ, क्या नुकसान? आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार का ही नुकसान नहीं हुआ, हमारा 200 लोग मर गया सर्दी में, पूरा करोड़ों लोग आंदोलन में है, उसका जिंदगी रोटी रोजी का सवाल है, वो खुशी करके ऐसा इनवाइट करेगा कि हमारा आंदोलन बर्बाद किया? कोई तो नुकसान पहुंचता है ना हनान मुल्ला साहब, जब इस तरह की हिंसा होती है किसी की तो जवाबदेही होगी। आप भी पल्ला झाड़ रहे हैं, बाकी किसान संगठन भी पल्ला झाड़ रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे नहीं झाड़ रहे, हम इसको देखेंगे, एक की हालत नाजुक है, आंदोलन को बर्बाद करने का कोशिश किया, हम लोग विचार करेंगे क्योंकि हमारा आंदोलन चलेगा, आने वाले दिन में भी चलेगा। ठीक है, आप बताइए, 1 फरवरी को, आज जब आप लोगों ने 26 जनवरी को ये किया है, परिस्थितियां ऐसी बेकाबू हुई है, हिंसा हो गई है, कोई जवाबदेही इसकी लेने को तैयार नहीं है, मुझे बताइए 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे और अगर करेंगे तो उस दिन ऐसी हिंसा ना हो, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? नहीं, हमारा जवाबदेही है, हम इसको चर्चा करेंगे, निकलेंगे, भविष्य में
तत्व घुस के हमारा आंदोलन को बर्बाद करना पाए, किसान का जिंदगी का बर्बाद करने का साजिश ने एक ये जो साजिश भविष्य में कामयाब ना हो पाए हमको देखना पड़ेगा सीरियसली। हम तोड़ रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ सबसे बड़ा, आंदोलन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, 70 करोड़ किसान का भविष्य पर एक साजिश हो गया। जो किया है वो किसान का दुश्मन है और वो हमारा ऊपर सरकार को हमला करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये साजिश करके सरकार को भी इंटरवेंट करने का मौका करवा दिया। ये हमारा आंदोलन का दुश्मन है, हम इसको देखेंगे और इस तरह भविष्य में किसी तरह कोई कर नहीं पाए, हमको बहुत सचेत रूप में देखना पड़ेगा। 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे। हनान मुल्ला साहब संसद मार्च करेंगे आप लोग? सब प्रोग्राम डिटेल्स वर्कआउट करना पड़ेगा, आज की घटना के बाद फिर हमको थोड़ा रिवर्क करना पड़ेगा, रिओर्गेनाइज करना पड़ेगा और बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा, उसका तैयारी करेंगे हम अगले मीटिंग करके। लेकिन इस तरह की हिंसा देखने के बाद भी आप लोग अड़े हुए हैं कि 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे, क्या ऐसा नया कर देंगे जिसकी वजह से उपद्रवी नहीं घुस पाएंगे? देखिए अलग अलग बॉर्डर है, इसको पहले वो तो पहले ऐलान था, आज की घटना के बाद इस परिप्रेक्ष्य में विचार करके कैसे इसको किया जाए, कैसे इस तरह साजिश को से हम आंदोलन को बचा पाएंगे, ये हमको विचार करके हमको करेंगे। संसद मार्च कॉल ऑफ करने पर भी आप लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि उसको रोक दिया जाए इस हिंसा को देखते हुए? सुनाई नहीं दिया। इस हिंसा को देखते हुए क्या आप लोग मीटिंग में 1 फरवरी को वो संसद मार्च कॉल ऑफ भी उसको रोक सकते हैं? नहीं, उसका पहले हम मीटिंग करेंगे। हम मीटिंग करेंगे आज काल परसों के बीच में मीटिंग करके हमारा पूरा काम को रिव्यू करने का बाद ही अगले कार्यक्रम कैसे हम करेंगे उसका ठीक करेंगे। आज के जो घटना हुआ दुर्घटना, इस दुर्घटना को तहकीकत के बाद ही हम अगले कार्यक्रम को हम फैसला करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे हनान मुल्ला साहब, आज जब लाल किले के प्राचीर पर ये उपद्रवी पहुंचे और जिस पोल पर हिंदुस्तान का तिरंगा हर 15 अगस्त को शान के साथ लहराया जाता है, वहां पर उन्होंने एक संगठन का और एक धर्म का वहां पर जब उन्होंने झंडा टांगा, आपको अफसोस है इस बात पर? जरूर, ये तो देश विरोधी काम है, ये किसान के सिर्फ विरोधी नहीं है। वहां जो समझो जो हलाक उठा रहा था, हम देखा सारे पुलिस खड़ा है, कुछ नहीं कर रहे, करने दिया है, कोई इसका अंदर कोई साधकाट नहीं होने से कर नहीं सकता, ऐसे पुलिस देख रहे हैं खड़े खड़े और वो लोग कर रहे हैं, कोई कंप्लेंस उसका अंदर है। तो आप क्या चाहते थे, पुलिस क्या करती उनके साथ? देखते हैं, नहीं तो कैसे पुलिस करने दिया, पुलिस खड़े खड़े देख रहा था, फोटो देख रहा था बाद में आके। पुलिस को उन किसानों पर लाठी चार्ज करना चाहिए था, वो तो बाद में आने बहुत बाद में हुआ, जब झंडा लगा रहा था उठा रहा था उधर खड़ा था पूरा पुलिस, उसको पहले बाधा नहीं दिया, करने दिया उसको। तो आप चाह रहे थे कि पुलिस उन पर लाठी चार्ज करती, लाठी मारकर उनको रोकती, जब हमारा आंदोलन की बातचीत तो आप लोगों के साथ भी हो रही है, कहां आप लोग वाले, अंत में आपने मार्च किया ही किया, तो बातों की तो कोई सुन नहीं रहा, तो आपको लगता है बल प्रयोग करना चाहिए था, लाठी चलाना चाहिए था वहां लाल किले पर? हनान मुल्ला साहब आप कह रहे हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, उनको वहां झंडा टांगने दिया, तो फिर बताइए ना लाठियों से रोकते उन्हें, क्योंकि बातों से तो कोई सुनने को तैयार नहीं था, तो लाठियां चलानी चाहिए थी, वो तो बाद में किया ना, बाद में किया। पुलिस गाड़ रहे थे, आप कह रहे हैं जब झंडा वहां पर टांग रहे थे पुलिस को लाठी से मारना चाहिए था, कैसे रोकते उन्हें, पहले कैसे रोकते, हाथापाई करते, क्या करते? पुलिस वहां खड़ा था जब वो झंडा फहरा रहा था, तो मैं पूछ रही हूँ उसको रोक देना, क्या करना चाहिए? लाल झंडा जाने का जो प्रोग्राम नहीं है, लाल किला जाने का जो प्रोग्राम नहीं है, जब पुलिस भी बोल रहा है कि साजिश हो सकता, पुलिस को भी पास खबर था कोई ऐसा साजिश हो रहा था, कैसे वहां जाने दिया पुलिस? आपका कहना है कि पुलिस बहुत ही सॉफ्ट थी, नरम थी आंदोलनकारियों पर, और बल प्रयोग करना चाहिए था।
हनान मुल्ला जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस बहुत सॉफ्ट थी, जबरदस्त बल प्रयोग करना चाहिए था किसानों पर शुरू में, करना नहीं चाहिए था। जब मालूम है पुलिस का भाई, जब खबर था लाल किला में कोई ऐसा तत्व है जो गड़बड़ करने है, तो पुलिस ने देखी थी आईटीओ की तस्वीरें, ट्रैक्टर नचा रहे थे और पुलिस कर्मियों पर भी चढ़ा रहे थे, जिस तरह से वो जिस तेजी से चला रहे थे वो सब देखा आपने हनान मुल्ला साहब? आप फोटो देखो ना, जब झंडा फहरा रहा था पुलिस देख रहा था। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, पुलिस वहां पर देख रही थी, क्या करती, लाठी चलाती उन पर? आप ही बताइए ना, अगर आईटीओ पर जिस तेजी के साथ ये ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे, सब पर देशद्रोही काम करेंगे, तो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, लाठी चार्ज भी बीच बीच में कर रही थी, और क्या किया करने दिया उसका बाद लाठी चला था, क्यों करने दिया पहले? चलिए ठीक है, ये अनंत सवाल मेरी तरफ से होंगे और जवाब आपका वहीं पर अटका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।